1926 में आज के दिन भारतीय क्रिकेटर पहलान रतनजी पॉली उमरियर का जन्म हुआ था। उन्होंने बॉम्बे क्रिकेट टीम के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली। उन्हें 1962 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ ही 1962 से लेकर 1978 तक सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने, सबसे ज्यादा रन बनाने और सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले रिकॉर्ड पहलान रतनजी के नाम था, जिसे सुनील गावस्कर ने तोड़ा। ১৯৩০ में आज के दिन तुर्की के कई शहरों का नाम बदला गया। तुर्की की राजधानी अंगोरा को अंकारा और कांस्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया। तुर्की के इन दो सबसे बड़े शहरों का नाम बदलना देश के आधुनिकीकरण के लिए उठाए जा रहे तमाम कदमों में से एक था। इसका श्रेय आधुनिक तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क को दिया जाता है। तुर्की दुनिया का अकेला ऐसा मुस्लिम बहुमत वाला देश बना जो कि धर्मनिरपेक्ष है। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसके एशियाई हिस्से को अनातोलिया और यूरोपीय हिस्से को थ्रेस कहते हैं। ১৯৩১ में आज ही के दिन ब्रिटिश भारत में पहले भारतीय डिप्टी पुलिस कमिश्नर कवास जी जमशेद जी पेटिगरा का निधन हुआ था। जमशेद जी को मुंबई में क्राइम ब्रांच का प्रभारी बनाया गया था। उन्हें खान बहादुर की भी उपाधि से सम्मानित करके बुलाया जाता था। 1928 में उन्हें भारतीय पुलिस सेवा रैंक में पदोन्नत किया गया, जो कि उन दिनों बहुत कम भारतीयों को हासिल होता था। उन्हें कैसरे हिंद, इंपीरियल सर्विस ऑर्डर और किंग्स पुलिस मेडल से नवाजा गया। उन दिनों भारत में ब्रिटिश सरकार के कट्टर वफादार होने के बावजूद उन्हें भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा सम्मानित किया गया। 1965 में आज के दिन अश्वेत अमेरिकियों के अधिकारों के लिए मार्टिन लूथर किंग ने ऐतिहासिक मार्च निकाला था। यह मार्च अमेरिका में समान नागरिक अधिकार कानून बनने के कुछ ही महीने बाद हुआ था, क्योंकि कई राज्यों ने ऐसे कई कदम उठाए जिससे इस कानून को लागू करने से बच सके। मार्टिन लूथर को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। उनके प्रयत्नों से अमेरिका में नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में प्रगति हुई, इसलिए उन्हें आज मानव अधिकारों के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। दो चर्चों ने उनको संत के रूप में भी मान्यता प्रदान की। और 1986 में आज के दिन अमेरिकी पॉप सिंगर लेडी गागा का जन्म हुआ था। गागा ने अपने रॉक संगीत गायिका का सफर न्यूयॉर्क शहर से 2003 में शुरू किया था और तब से लेकर आज तक गागा संगीत जगत के कई प्रसिद्ध पुरस्कार जीत चुकी हैं। गागा ग्रैमी पुरस्कार के लिए 12 बार नामित हुई हैं, जिसमें से 5 बार पुरस्कार इन्हें ही मिला। लेडी गागा के नाम 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। 2008 में लेडी गागा का पहला मशहूर एल्बम द फेम आया था।